वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे मिष्ठान फूड लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में हमें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें चार्ट देखेंगे तो इसमें 14 रुपए 35 पैसे से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और 17% ये नीचे आ चुका है। इस वीडियो में जानने वाले हैं अगर आपने हाई पे स्टॉक को बाय किया तो आपको क्या करना चाहिए और फंडामेंटल भी हम कंपनी का डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है, 1180 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से कम है और आरओसी आरओ कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा है। इतना यहाँ पर ऐसे बहुत कम मैंने सिनेरियो देखे, बहुत कम ऐसे स्टॉक देखे जिसमें कंपनी का जो आरओसी आरओ होता है वो उतना ज्यादा अच्छा होता है। डेप्थ की बात करें तो कंपनी पर डेप्थ है थोड़ा बहुत, जो कि आसानी से कंपनी यहाँ पे फिल कर सकती है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में चल रही है। 161 करोड़ का इसके पास एसेट है और 51 करोड़ का रिजर्व है। 49.3% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन यही आप देखेंगे कि ये स्टॉक बुक वैल्यू के हिसाब से ऑलमोस्ट 11 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। 19 रुपए 60 पैसे का हाई एक साल में और 2 रुपए 70 पैसे का लो है। 1 रुपए का फेस वैल्यू का ये स्टॉक है और जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो 42.1% हुई है। कंपनी के काम की बात करें तो पहले सीमेंट की कंपनी थी बेसिकली, उसके बाद क्या हुआ कि एग्रो प्रोडक्ट में ये चेंज हो गई। मैन्युफैक्चरिंग करती है ये राइस व्हीट एंड अदर फूड ग्रेन्स। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बासमती राइस का भी कंपनी का यहाँ पे काम है। कंपनी के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे लगातार कंपनी के सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जून 2021 से लगातार कंपनी के सेल्स बढ़ी है और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 3 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ और उसके बाद 13 करोड़ का हो चुका है। तो जो Q4 में हमें Q4 में जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है वो पिछले 2 साल की तुलना में काफी ज्यादा है और इसी बिहाफ पे जो शेयर प्राइस है वो हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे कंपनी का यहाँ पे सेल्स पहले कितना था, 2014-15 के आसपास 0 करोड़ का सेल्स था, यानी कह सकते हैं कि कंपनी का काम काज यहाँ पे बिल्कुल जीरो था। कंपनी के जो सेल्स थी वो नहीं होती थी, लेकिन 2016 से लगातार कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स है वो आ रहा है और उसके बाद लगातार बढ़ता भी जा रहा है। 499 करोड़ का सेल्स आया है मार्च 2022 में और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 31 करोड़ का देखा जा रहा है। बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 49.28% है। इनकी होल्डिंग पहले से ही बिल्कुल बनी हुई है, चेंज नहीं किया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और आमतौर पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम नहीं करते हैं, तो बेसिकली ये किसी भी पैनी स्टॉक के लिए अच्छा माना जाता है। इतने जो शेयर्स थे वो लॉक थे, लेकिन अभी देखेंगे तो ये शेयर्स लॉक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बिल्कुल बनी हुई है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। FI और DI की होल्डिंग यहाँ पे 0% है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग यहाँ पे 0% है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है 10 रुपए के आसपास। 10 रुपए तक अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो इसमें हमें थोड़ा सा फिर से बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये 10 रुपए का सपोर्ट नहीं लेता है तो इसमें हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है और उसके बाद ये 7 रुपए तक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 7 रुपए तक आना मुश्किल है, 10 रुपए तक ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे आरओसी आरओई काफी ज्यादा अच्छा है। तो बेस्ड ऑन फंडामेंटल ये स्टॉक को 7 रुपए तक नहीं आना चाहिए। तो अगर आप कहीं ऊपर के लेवल पे बाय किया है, आपने यहाँ पे बाय किया या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पेशेंटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। आगे चल के स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जब फिर से ऑपरेटर आएंगे, जब ये मोमेंटम आपको मिलेगा तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही है कि स्टॉक अगर यहाँ से यहाँ कंसोलिडेट करता है उसके बाद फिर से हमें ये मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। स्टॉक यहाँ से 24-25 रुपए आराम से जा सकता है। तो पेशेंटली स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक काफी जल्दी आपको रिटर्न दे सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। किसी दूसरे स्टॉक पे अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।